रिसेंटली आने वाले कई सारी फिल्मों का बड़ी अपडेट अनाउंस हुई है, और जहां पर आदिपुरुष का एडवांस बुकिंग से शुरू करके ओजे का अपडेट भी शामिल है। दोस्तों लिस्ट पे और कौन कौन से फिल्म है जाने के लिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। 10 रवि तेजा का नेक्स्ट ईगल। हाँ दोस्तों, जहाँ पर रिसेंटली द मास महाजर रवि तेजा का नेक्स्ट फिल्म ईगल का अपडेट आई है, और इसको डेट करी है सूर्या वर्सेस सूर्या का डायरेक्टर कार्तिक गौतम नेनी ने, और फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर पे रवि तेजा का फेस रिवील्ड नहीं की गई है, पर इसमें रहा थ्रिलिंग बीजीएम और सिनेमाटोग्राफी। और तो दोस्तों ये फिल्म 2024 का संक्रांति के मौके पर रिलीज होगा। नंबर 12 सूर्या एस कर्णा। हाँ दोस्तों, जहाँ पर मारा सूर्या को एस कर्णा के रोल में नजर आएंगे, और इस फिल्म को डेट करने वाले हैं बॉलीवुड के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश ने, और एक एपिक प्योर फिल्म होगा, और इसी फिल्म के साथ ही मारा सूर्या का होगा बॉलीवुड डेब्यू। दोस्तों कर्णा के रोल में मारा सूर्या को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है। नंबर 11 स्टार्स द अल्लू अर्जुन ऑन आहा। जहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा अनाउंस किया है कि अल्लू अर्जुन का हो रही है डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ एक कोलेब्रेशन। पता दोस्तों ये फिल्म नहीं बल्कि कमर्शियल होगा या फिर एक वेब फिल्म होने का चांस है। नंबर 10 रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर। जहाँ पर यह है रणवीर सिंह और आलिया की नेक्स्ट अपकमिंग रोम कॉम फिल्म, और फिल्म का टीजर को लेकर एक अपडेट आई है, और ये टीजर रविस्टर प्रभाष का अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष के साथ थिएटर पे अटैच की जाएगा। यानी कि 16 जून रणवीर का फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर देखने को मिल जाएगा। नंबर 9 अखिल अक्किनेनी का नेक्स्ट। अखिल का लास्ट पैन इंडियन फिल्म एजेंट बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाया, पर अभी उनका नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म आ रही है मेगा पास्टर रामचरण का नया प्रोडक्शन हाउस वी मेगा पिक्चर्स की बैनर में, और आखिर के इस अपकमिंग फिल्म को लेकर डिटेल्स में कोई इन्फॉर्मेशन रिवील्ड नहीं की गई है। नंबर 8 लियो का शूटिंग अपडेट। और यह है थलापति विजय का मोस्ट हाइप अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसका कश्मीर में शूटिंग कंप्लीट हुआ है और अभी शूट की जा रही है चेन्नई पर। अभी इस फिल्म का एक बिगेस्ट गाना जहां पर 2000 आर्टिस्ट शामिल है, इसी गाना का शूटिंग चल रही है, यानी कि तमिल इंडस्ट्री का एक मैसिव फिल्म इज कमिंग। नंबर 7 भीमा का फर्स्ट लुक। और ये है माचेस्टर गोपीचंद का 31th फिल्म, जिसको डेट करी है अंजनी पुत्र का डायरेक्टर ए हर्ष ने, और इसमें गोपीचंद को एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे, और रिसेंटली उनका फर्स्ट लुक पोस्टर रहा काफ़ी इंटेंस। नंबर 6 केज 233 का अपडेट। और ये है यूनिवर्सल स्टार कमल हसन का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं वलीमाई का डायरेक्टर एच विनोद ने, और काफ़ी जल्दी ही फिल्म का शूटिंग स्टार्ट किया जाएगा, और उसका स्टोरी फार्मिंग इशू पर बेस्ड होगा। नंबर 5 ओजी का विलेन। जहाँ पर ओजी है पास्टर पवन कल्याण का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट, और इसमें पवन ने गैंगस्टर का रोल प्ले करेगा, और इसमें विलेन के अवतार में देखने को मिलेगा अर्जुन दास को, यानि कि कायथी का वो डेयरिंग वाला विलेन। नंबर 4 डेयर डेविल मुस्तफा। यह कन्नड़ा का रिसेंट रिलीज फिल्म है जो कॉलेज ड्रामा फिल्म है, और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिला ही ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जो एक यूनिक कॉन्टेंट का है जहाँ पर कॉमेडी के साथ जुड़ाकर एक सोशल मैसेज भी देखने को मिला है, और फिल्म कन्नड़ा इंडस्ट्री में इतना ही बाज क्रिएट किया है कि फिल्म को टैक्स फ्री करने का प्लान चल रही है। नंबर 3 करण जौहर का नेक्स्ट। जहाँ पर डायरेक्टर करण जौहर ने अपनी नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म लॉन्च करी है पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ, और इसमें पृथ्वीराज के साथ है काजल, और तो दोस्तों इसी फिल्म के साथ बॉलीवुड का नवाब सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम अली खान अपने डेब्यू करेगा, और इसका स्टोरी टेररिस्ट अटैक पर बेस्ड होगा। नंबर 2 नादिका थिलाकम का फर्स्ट लुक। जहाँ पर तोविन ने अभी फुल फॉर्म पे है 2018 के बाद, अभी उनके नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म इज नादिकर थिलाकम,
जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर ऑलरेडी रिवील्ड की गई है, जहां पर तोविनो को सुपरस्टार के रोल में ले जाएंगे। फिल्म का बजट रखा गई है 40 करोड़। नंबर 1, आदिपुरुष का एडवांस बुकिंग। सभी लोग जानते हैं कि आदिपुरुष का टिकट बुकिंग स्टार्ट हुआ है और इसे मोस्ट हाइप फिल्म का एडवांस बुकिंग का क्या हाल है बता दोस्तों। जहां पर हिंदी पे ऑलरेडी एडवांस बुकिंग आई है 3 करोड़ 10 लाख और ऐसे करके टोटल इंडिया पे आई है 8 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग। देखा जाए तो एक्सीलेंट एडवांस बुकिंग के साथ जा रही है आदिपुरुष और सिर्फ हिंदी थ्री पे ही ये फिल्म 70,000 टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट किया है, यानी कि आदिपुरुष ओपनिंग पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। दोस्तों आदिपुरुष का फर्स्ट शो क्या कंफर्म है या नहीं कमेंट पे बताइए। दोस्तों ये रहा कुछ नए फिल्मों का बड़ी अपडेट के बारे में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज़ अपडेट पाने के लिए मालिश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।